एवरीवन, तो लुसेंट जीके की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो हमने लुसेंट जीके में क्या पढ़ना कल कहाँ तक छोड़ा था, तो हमने फॉरेन सोर्सेस कल पढ़ना स्टार्ट किया था, लिटरेरी सोर्सेस हमने समाप्त कर दिया था, उसके बाद हमने फॉरेन सोर्सेस स्टार्ट किया था। तो फॉरेन सोर्सेज में हमने ये आपको ये बताया था कि फॉरेन सोर्सेज चार तरीके के होते हैं, कौन कौन से थे। तो पहला था आपका ग्रीक सोर्सेज, यानी कि ग्रीक से जो यात्री आए, यूनान से जो यात्री आए, वो भारत के बारे में कैसे अपने विचार रखे, उसको हमने कल पढ़ा था। तो ग्रीक के बाद अब है चाइनीज, तो चाइनीज सोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फॉरेन सोर्सेज चार प्रकार के होते हैं, आपको मैं बता देती हूँ फिर से। फॉरेन सोर्सेज यानी कि विदेशी स्रोत, तो विदेशी स्रोत के कितने प्रकार हैं, विदेशी स्रोत के चार प्रकार हैं। एक तो है ग्रीक, दूसरा है चाइनीज, तीसरा है तिब्बतन और चौथा है अरेबियन या अरब। तो ये चार प्रकार के फॉरेन सोर्सेस होते हैं, चार प्रकार के विदेशी स्रोत थे। तो ग्रीक सोर्सेस हमने कल पढ़ लिया था, हम आज चाइनीज सोर्सेस से स्टार्ट करते हैं। चाइनीज राइटर, तो चाइनीज लेखक के बारे में हमें पढ़ना है। सुमा ची ये कौन थे, तो सुमा ची वाज द फर्स्ट चाइनीज राइटर हु रोट अबाउट इंडिया। तो सुमा ची कौन थे, सुमा ची ये पहले लेखक थे जिसने भारत के बारे में लिखा था, ये चाइना के पहले लेखक थे सुमा ची जिन्होंने भारत के बारे में लिखा था। अगले हैं पैन कु हैन वे, तो इन्होंने क्या किया था, दे द टेक्स्ट रिटन बाय पैन कु एंड हे वे कंटेन्स वैल्युएबल इंफॉर्मेशन अबाउट कुशान रूलर कुजुक कडहप्सिस एंड वेम कडहप्सिस। तो पैन कु हैन वे जो लिखे थे इन्होंने किसके बारे में लिखा था, तो कुशान के जो शासक थे कुजुक कडहप्सिस और वेम कडहप्सिस के बारे में इन्होंने लिखा था। अगले हैं फैयान, तो फैयान केम टू इंडिया इन 399 AD में फैयान भारत आए थे। इन द रेन ऑफ गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड जिन्हें कि विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो फैयान कब आए थे भारत, 399 AD में चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। He stayed in India for 15 to 16 years. वो भारत में 15 से 16 साल तक लगभग रहे थे, 399 से लेकर 414 AD तक लगभग फैयान भारत में रहे थे। He came to India with secret to cover an original copy of Vinay Pitaka. तो भारत में मुख्य रूप से किस लिए आए थे कि विनय पिटाका जो था बुद्धिस्ट टेक्स्ट का विनय पिटाका उसके बारे में उसके कुछ ओरिजिनल कॉपी को ले जाने। After return to China, he wrote his travel account, namely Fo Ku Ki. तो जब वो भारत से चाइना लौट गए तो उन्होंने अपना यात्रा वृतांत किस नाम से लिखा था, तो भारत से लौटने के बाद Fo Ku की के नाम से उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था। That is a record of Buddhist country. तो ये फो क्यों क्या था, ये जो बुद्धिस्ट कंट्रीज थी बौद्ध देश जितने भी थे उनका रिकॉर्ड इन्होंने इसमें फाहियान ने इसमें रिकॉर्ड करके रखा था। The book is still available in its original form. तो बुक जो है ये किताब जो है वो अभी भी अपने असली स्वरूप में मौजूद है या उसकी ओरिजिनल कॉपी अभी तक मौजूद है। It throws sufficient light on the history, civilization and culture of Gupta period. तो ये उस समय गुप्ता पीरियड था, तो गुप्ता पीरियड में कल्चर उसकी संस्कृति उसकी इतिहास ये सब कैसा था उस पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रकाश डाला है। It is written from Buddhist point of view, so there is lack of scientific temper. तो ये जो किताब है ये बौद्धों के दृष्टिकोण से लिखा गया है, इसलिए इस किताब में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी है। आगे है सुंग यून, सुंग यून came to India in the quest of Buddhist text and returned to China with 170 Mahayana text. तो सुंग यून जो थे वो भारत में क्यों आए थे, तो भारत में जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था बौद्धों के जो पाठ थे उसके खोज में आए थे, और वो जब चाइना लौटे भारत से तो 170 महायान को लेकर अपने साथ चले गए। ह्वेन सेंग, अगले हैं ह्वेन सेंग, तो ह्वेन सेंग केम टू इंडिया इन 629 AD इन द रेन ऑफ हर्षवर्धन द रूलर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। तो ह्वेन सेंग कब आए थे भारत में, 629 AD में हर्षवर्धन के काल में, और जो कि हर्षवर्धन कौन थे, वर्धन डायनेस्टी के शासक थे, उनके शासन काल में ये आए थे भारत, ह्वेन सेंग भारत आए थे।
ही स्टेड इन इंडिया फॉर 13 to 14 years. वो भारत में लगभग 13 से 14 साल तक रहे थे, 629 से लेकर 645 एडी तक लगभग वेन से भारत में रहे थे. ही स्टडीड इन नालंदा महाविहार फॉर 2 years. उन्होंने नालंदा महाविहार था उसमें लगभग 2 सालों तक अपनी पढ़ाई की थी. इन 641 एडी ही रेस्ट कांची इन द रेन ऑफ नरसिंह वर्मन फर्स्ट मैमल. तो 641 एडी में उन्होंने वो कहाँ गए, कांची में गए. कहाँ, किसके क्षेत्र में, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट के क्षेत्र में कांची में वो 641 एडी में गए थे. ही रोट ए ट्रेवल अकाउंट सी यू की. उन्होंने अपना यात्रा वृतांत सी यू की के नाम से, वेन सेम का यात्रा वृतांत की क्या नाम से है, सी यू की के नाम से, ये फयान का यात्रा वृतांत है और ये ह्वेन सेंग का यात्रा वृतांत है सी यू की के नाम से. तो इसमें इन्होंने क्या लिखा था, दैट इज बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड. जो पश्चिमी विश्व थे उसके बुद्धिस्ट कुछ रिकॉर्ड, बुद्धिस्ट बौद्धों के कुछ रिकॉर्ड रखे गए थे ये सी यू की किताब जो उनकी यात्रा वृतांत थी उसमें. द अकाउंट कॉन्टेन्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द कंट्री स्पेशली द लाइफ ऑफ हर्षवर्धन एंड हिज एक्टिविटीज एडमिनिस्ट्रेशन रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम ऑफ दैट टाइम. तो वो क्या था कि वो एक्चुअली में उनका जो वृतांत था वो इन डिटेल इन्फॉर्मेशन था किसके बारे में, तो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द कंट्री, तो इतिहास और संस्कृति इस देश का, इसका डिटेल था. और क्या था, स्पेशली द लाइफ ऑफ हर्षवर्धन. तो हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे तो उन्हीं के लाइफ से जुड़े, उन्हीं के जीवन से जुड़े कुछ उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा था. एंड हिज एक्टिविटीज, उनके कार्य, उनके प्रशासन, उनकी धार्मिक उनके राज्य में कैसे धर्म के अनुसार काम होता था ये सब, और उस समय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इन सब के बारे में उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा था. His account is really a storehouse of information that help us to connect the discrete sequences of historic events in India. तो उनकी जो यात्रा वृत्तांत है वो एक स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, सूचनाओं का एक स्टोर हाउस, जिसमें कि उन्होंने सीक्वेंस में एक भारत की इतिहास को लिखा था, सबसे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से सीक्वेंस वाइज उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत भारत के बारे में लिखा था. He wrote writes about the हुना रूलर मिहिर कुला. उन्होंने हुना रूलर जो थे मिहिर कुला उनके बारे में लिखा था, जो कि कंटेम्पररी ऑफ गुप्ता रूलर बालादित्य बुद्धगुप्त एंड सम अदर हु पेट्रोनाइज्ड द नालंदा महाविहार. तो हुना रूलर जो मिहिर कुल थे ये किसके समकालीन थे, गुप्ता रूलर बालादित्य के समकालीन थे, और कुछ बुद्ध गुप्ता थे, और कुछ ऐसे संरक्षण थे जो कि नालंदा महाविहार के संरक्षण में थे. तो उन सब के बारे में भी इन्होंने लिखा है. ही इज नोन एज किंग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स. तो उन्हें तीर्थयात्रियों का राजा या राजकुमार कहा जाता है, जिसे ह्वेन सेंग को तीर्थयात्रियों का राजा या तीर्थयात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है. आगे ह्यू विल. तो ह्यू विल रोट अ बायोग्राफी ऑफ हिज फ्रेंड ह्वेन सेंग, नेमली लाइफ ऑफ ह्वेन सेंग. तो ह्वे विल कौन थे, उन्होंने उनका मित्र थे ह्वेन सेंग, और उन्हीं उन्हीं की जीवनी उन्होंने लाइफ ऑफ ह्वेन सेंग के नाम से लिखा था. इट थ्रोस सम लाइट ऑन इंडियन हिस्ट्री, और ये कुछ भारतीय इतिहास पर भी प्रकाश डालता है. अगले हैं इत सिंह. तो इत सिंह केम टू इंडिया थ्रू सी रूट वाया सुमात्रा. तो भारत में इत सिंह समुद्री रास्ते से आए थे सुमात्रा होते हुए. He stayed in Nalanda Mahavihara for 10 years and studied Sanskrit text and Buddhist text. तो नालंदा विहार में ये लगभग 10 वर्षों तक रहे और संस्कृत और बुद्धिस्ट टेक्स्टों का अध्ययन किया. He wrote a travel account, a record of Buddhistic religion as practiced in India and Malay archipelago. तो उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म का जैसे भारत में पालन होता है और मलय द्वीप समूह में किस तरह से बुद्धिस्ट का पालन होता है उसके बारे में अपने किताब में लिखा था. But it contains precious information about Sanskrit literature and history of Buddhist religion. तो लेकिन उनके किताब में संस्कृत जो साहित्य थी उसके बारे में और बुद्धिस्ट की जो धर्म थी उसके बारे में भी उन्होंने लिखा था. इट सिंग ऑटोबायोग्राफीज ऑफ फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क्स contains detailed information about social, economic and cultural life of India of that time. तो इत्सिंग की autobiography थी, इनकी आत्मकथा थी, जिसमें उन्होंने autobiography of famous Buddhist monks. तो उन्होंने इस किताब में
क्या लिखा था, फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क्स की उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी इसके नाम से। उन्होंने इसमें बताया था कि भारत में उस समय सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार चल रही थी। इट सिंह रेफर्स टू श्री गुप्ता हु इज जनरली बिलीव टू हैव बीन द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो इट सिंह श्री गुप्त को कहते हैं जिनके की जिन्हें ये माना जाता है कि वो गुप्ता रूलर के सबसे पहले शासक थे। अगले हैं ह्यू चो। ह्यू चो रेफर्स टू द डूइंग्स ऑफ मुक्तपिदा ऑफ कश्मीर एंड एसो वर्मन ऑफ कन्नौज। तो इन्होंने क्या किया था कि मुक्तपिदा जो थे कश्मीर के और यशो वर्मन थे कन्नौज के, इन्होंने क्या क्या काम किए इसके बारे में इन्होंने लिखा था। मातवा ली ये कौन थे, तो ये गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ईस्टर्न कैंपेन ऑफ हर्षवर्धन द वर्धन रूलर। तो इन्होंने हर्षवर्धन के ईस्टर्न कैंपेन कौन कौन से थे उसके बारे में कुछ सूचनाएं दी हैं। अगले हैं मुहान। मुहान केम टू इंडिया इन 1406 एडी। 1406 एडी में मुहान भारत आए थे। ही विजिटेड बंगाल। इन्होंने बंगाल की यात्रा की थी। ही वाज वेरी इंप्रेस्ड टू सी सच एन एनरिच्ड रिलीजन ऑफ इंडिया। वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गए क्या देखकर, तो भारत की बहुत ही समृद्ध संस्कृति को देखकर, भारत की बहुत ही समृद्ध क्षेत्र थी उसे देखकर मुहान जो थे वो बहुत प्रभावित हुए थे। ही प्रेस द मैन्युफैक्चर्ड थिंग्स ऑफ बंगाल। वो जो बंगाल से निर्माण हुए वस्तुएं आती थी उनका खूब प्रशंसा किया करते थे। अगले हैं तिब्बतन राइटर्स, चाइनीज राइटर्स यहाँ तक तो कंप्लीट हो गए। अब अगले हैं तिब्बतन राइटर्स। तो तिब्बतन राइटर्स में पहले थे तारानाथ। तो तारानाथ वाज अ पॉपुलर तिब्बतन हिस्टोरियन। तो तारानाथ कौन थे, एक प्रसिद्ध तिब्बत के इतिहासकार थे। ही रोट कांगयूर एंड तांगयूर। उन्होंने कांगयूर और तांगयूर लिखा था। दिस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट एंशियंट पीरियड ऑफ इंडिया। तो ये प्राचीन भारत कैसा था उसके बारे में इंफॉर्मेशन सूचना देता है। धर्मस्वामी ये भी कौन थे, केम टू इंडिया एंड स्टडीड इन नालंदा महाविहार फॉर 3 ईयर्स। तो धर्मस्वामी भारत में आए थे और नालंदा महाविहार में लगभग 3 सालों तक पढ़ाई की थी। तो यहाँ तक हमने चाइनीज और तिब्बतन राइटर्स के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम अरबियन राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।